हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। और हल लिखने के बाद कि हल ये 25 है, 25 5 है तो 5। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 20। यानी 25 गुना 20। तो 25 गुना 20 करेंगे तो हमको आ जाएगा 25 दुना 50, यानी 500%। यही आंसर हो गया। उसके बाद अब अगला है, उसी प्रकार से बनाएंगे हम हल। ये 15 है तो 15 लिख दिए, ये बटा 2 है तो 2 लिख दिए। जिनको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 100 से गुना करेंगे, एरा काटेंगे एक आधा हो जाएगा कितना बाबू, 50। उसके बाद देखिए 15 गुना 50 करेंगे तो 15 गुना 50 करेंगे तो 15 5 75, यही प्रतिशत हो गया। अगला यहाँ पर लिखेंगे हल, 14 है तो 14 8 7। इनको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर बटा भी एक दे सकते हैं और ऐसे 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 काट सकते हैं। इसको काटो 7 गुना 14 2 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 200। यही आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये 75 है तो हल पहले लिखेंगे, और ये 75 है तो 75 लिख दिए, 3 है तो 3। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो इसको काटो 25 3 75। देखिए 25 गुना 100 करेंगे, 25 गुना 100 करेंगे 2500 आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया 2500%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये तीसरे हो गया, ये 15 बटा 5 है तो हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम हल लिखते हैं। उसके बाद देखिए ये 15 बटा 5 और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं तो इसको काटिएगा, काटिएगा तो 5 3 15 यानी 3 गुना 100 काटेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 300। यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।